गुरुग्राम से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। यहां दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी केंद्रीय मंत्री के साथ यहां पहुंचे हैं, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह भी उनके साथ मौजूद है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे और इसी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पहुंचे। ये बड़ा अपडेट आपको गुरुग्राम से दे रहे हैं। गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री। दिल्ली के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी उनके साथ मौजूद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह भी यहां पहुंचे हैं उनके साथ। बता दें आपको कि 10,000 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ ही इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। गुलशन, तमाम अपडेट लिए हमने आपसे इससे पहले भी, अब आखिरकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए, तफसील से बताइए उनका क्या शेड्यूल है। देखिए मुमताज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर लिया है और उनके साथ गुड़गांव के सांसद राव इंदरजीत सिंह मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली के गवर्नर वी के सक्सेना मौजूद थे, दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा मौजूद थे, रमेश बिधूड़ी मौजूद थे और NHAI के अधिकारी इस दौरान हरियाणा सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। कुछ भी इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हरियाणा का हिस्सा है वो लगभग 19 किलोमीटर का हिस्सा है और इस हिस्से में कोई भी खामियां अगर इस दौरान नितिन गडकरी को लगी तो तुरंत ही NHAI अधिकारियों को उन्होंने अवगत कराया और जल्द ही उसे पूरा करने का आदेश दिया, क्योंकि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये 30 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे है जो कि 19 किलोमीटर हरियाणा का हिस्सा है जबकि 11 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली का हिस्सा पड़ता है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे कई एक्सप्रेसवे को साथ जोड़ेगा, चाहे वो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की बात करें या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें। इससे काफी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी और दिल्ली जाने के लिए, गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो है इस द्वारका एक्सप्रेसवे को देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली जयपुर का जो एक्सप्रेसवे है वो काफी हम देखते हैं कि जाम जो है यहाँ पर काफी लगता है और अब लोग जो है इस द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी अपना दिल्ली जा सकते हैं जो कि कम समय में अपनी दूरी वो तय कर सकते हैं। टोटल 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार हो चुका है और कुछ ही दिनों में और ये पूरा हो जाएगा ताकि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि लोगों के लिए फिर ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है पूरी तरह से खुल जाए। बेहद शुक्रिया गुलशन आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।